इन दिनों फेस्टिव सीजन का खुमार कानपुर राइट्स पर खासा छाया हुआ है। जगह जगह पर तरह तरह के उत्सव आयोजित करके लोग इसका आनंद उठा रहे हैं। इन दिनों शहर में डांडिया की खासी धूम है। शहर में कई जगहों पर डांडिया प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, जहां युवा वर्ग आकर्षक परिधानों में सज धज कर डांडिया खेलने पहुंच रहे हैं। अरे नहीं, बस डेकोरेशन हुआ है यहाँ पे, बस उसी का जोश है सबका। और ड्रेसिंग कोड है बांधनी, और जो हम लोग ने खुद डिज़ाइन किया है, हम लोग डिज़ाइनर स्टूडेंट हैं। अगर ये तो प्लीज़ अपनी ड्रेस के बारे में कुछ बताइए कि कैसे आपने ये थीम सोचा कि आपको ये पहनना चाहिए। यूनिक इसलिए क्योंकि मैं ड्रीम जोन से बिलोंग करती हूँ, इसलिए हम लोग हर चीज़ यूनिक ही करते हैं, इसलिए थोड़ा सा अलग डिफरेंट किया। और हमारी मैम अन्नू मैम ने थोड़ा हम लोग को बताया कि आज के दौर पे हम लोग ने, मैम ने एक नवरात के उस पर हम लोग का एक प्रोग्राम रखा डांडिया, उस अकॉर्डिंग हम लोग को कहा गया कि आप लोग अपने लिए एक ड्रेस सेलेक्ट करिए कि आपके ऊपर क्या अच्छा लगता है। कुछ ऐसा ही आयोजन किदवाई नगर स्थित ड्रीम जोन फैशन इंस्टीट्यूट में किया गया, जहां स्टूडेंट्स खुद से डिजाइन किए हुए परिधान पहनकर पहुंचे और गीतों की धुन पर डांडिया खेलते हुए खासा एंजॉय किया। आप बताइए कि कितना टाइम लगा है, क्या ड्रेस कोड आपने सोचा था और कैसे इम्प्लीमेंट किया है? नो मैम, आई हैव नो आइडिया, मैंने कुछ सजेशन कुछ भी नहीं था। बस सडनली मुझे मालूम चला कि डांडिया थीम है, तो फिर मैं मार्केट गई और मैं ये दुपट्टे जो मिलते हैं, तो मैं दुपट्टा ले परचेज़ करके लाई थी। फिर उससे आइडिया कुछ सोचा, इंक्लूड किया मैंने कुछ अपनी मर्जी से सारी चीज़ों को इंक्लूड करके, फिर एक डांडिया थीम का बेसिस पे एक ड्रेस रेडी किया जो आपके सामने है। हम लोग ने बहुत टाइम बाद इतना हम लोग हमेशा से पढ़ाई होता है, तो बहुत टाइम बाद हमारे टीचर्स ने मिल के ये किया कि हम लोग कुछ अपना ऑर्गेनाइज करते हैं, कुछ भी इसमें सब लोग इंजॉय कर सके। तो इसके लिए नवरात्रि इज़ द बेस्ट फेस्टिव सीज़न फॉर द एंजॉयमेंट्स, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग नवरात्रि बहुत अच्छे से इंजॉय करेंगे। तो मैम ने, हम लोगों ने डिसाइड किया था कि सबकी ड्रेसेस जो होंगी थोड़ी सी ट्रेडिशनल होंगी, मीन्स जो गरबा लुक में जाए, नॉट ओनली द ट्रेडिशनल ड्रेसेस। तो हम सब ने यहाँ पे, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने अपनी खुद ने ड्रेस डिज़ाइन करी है। अगर मैं फैकल्टी हूँ तो मैं इस समय जो बताऊँगी तो वो फ्यूज़न को रिकमेंड करूँगी, क्योंकि जो गरबा है एंड जो नवरात्रि है फुल ऑफ एंजॉयमेंट है। मतलब आज के ये पुराना ट्रेडिशनल चल रहा है कि एवरीवन वेयर टू लहंगा, तो नाउडे वी आर डिसाइडेड कि समथिंग डिफरेंट यूनिक हो, जिसमें अगर हम जैगिंग भी पहन सकते हैं, जैगिंग के साथ लॉन्ग कुर्ता हो सकता है। एंड इस समय जो हमारे फैशन में चल रहा है तो फ्री स्टाइलिंग चल रही है, तो हमारा मेन फोकस यही था कि डिफरेंट टाइप के कलर्स हो, नियॉन कलर्स हैं जो इस समय बहुत लोगों को आई कैचिंग कर रहे हैं। तो हमारे बच्चों ने डिफरेंट स्टाइलिंग को वेयर किया, किसी ने लहंगा चोली पहना है, किसी ने लॉन्ग कुर्ता पहना है, किसी ने सरारा, किसी ने लॉन्ग कुर्ता विद पैंट्स पहना है। तो मतलब स्टाइलिंग जो है बहुत डिफरेंट, क्योंकि हम लोग गरबा नाइट में मोस्टली क्या करते हैं, इंजॉय करते हैं, डांस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिसाइडेड कि थोड़ा कम्फर्ट जोन होना बहुत ज़रूरी है। तो हाई, मैं कोमल गुप्ता हूँ, मैं ड्रीम जोन कानपुर की डायरेक्टर हूँ। और अभी हमारे यहाँ बच्चों के लिए हमने एक ऑर्गेनाइज किया है लाइक डांडिया, नवरात जैसे चल रहे हैं तो उसी के हिसाब से तो हम लोगों ने सारा मतलब डांडिया का प्रोग्राम किया हुआ है। तो मैम की प्रिपरेशन कब से चल रही है या आपने इसको कैसे ऑर्गेनाइज करने का सोचा? ये हमें तो 1 वीक हुआ इस प्रोग्राम को करने के लिए, बट हमारे बच्चों ने बहुत मेहनत करी है इसको, मतलब पूरा डेकोरेट किया, देन उसके बाद सारा मतलब सारा सिनेरियो किया, हमारे बच्चों ने बहुत मेहनत करी। इवेंट के दौरान परिसर में गूंज रहा संगीत और रंग बिरंगी रोशनी आकर्षक छटा बिखेर रही थी। इस दौरान फैशन डिजाइनिंग के इन स्टूडेंट्स ने मौजूदा फैशन ट्रेंड से जुड़ी कई बातें भी शेयर कीं।